चलो रोल। सर क्या कहना चाहेंगे आप ऑफ दिस इवेंट, आपने देखा परफॉर्मेंस किए थिएटर का, मुंबई में बहुत सालों बाद इतना बड़ा फेस्टिवल देखा, थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग इतना उत्साह आज मुझे देखने को मिला है और ये थिएटर से ही आए, टर्निंग पॉइंट था लव स्टोरीज का। उससे पहले जितने भी लव स्टोरी थे जिसमें हीरो है, मेन कैरेक्टर है, बगावत करता था, ठीक है, पहली बार होता था, उसमें पहली बार वो कहता है कि मैं तभी वो लेकर जाऊँगा, इस टाइम टू सेलिब्रेट लड़कियाँ। कागज लगाना पड़ता है यार, बयान का। चलो कुछ सर क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस फेस्टिवल, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, क्योंकि नाटक जो होते हैं वो अब मत चालू करो करवाने का काम करते हैं, और सिनेमा या टेलीविजन या किसी भी किस्म की आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो प्रदर्शन का काम करते हैं, तो प्रशिक्षण का महत्व ही तब है जब उसे प्रदर्शन के मौके मिलते हैं, प्रदर्शन की उपयोगिताएँ प्रशिक्षण छिपा हो, तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है कि कास्टिंग एजेंसी भी है मुकेश की, और मुकेश अभिनेताओं को तैयार करने का अवसर प्रदान करते हैं, ये आनंद का विषय है। सर आपने आपने जब शुरुआत की उस टाइम पे इतना प्लेटफॉर्म्स नहीं था, जैसे वर्कशॉप्स अभी काफ़ी यंग जनरेशन। देखिए मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, और हमें तो अवसर अपने जीवन में रहा, हालांकि हम गाड़ावारा के रहने वाले हैं, छोटा सा गाँव, तो वहाँ से निकल के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो हमारा एजुकेशन भी अपने हैं, हमारा पैशन भी अपने और हमारा प्रोफेशन भी अपने, तो इसमें ये देखा जाए कि खुश रहो हमेशा से रहे, लेकिन जिसको आप ये कहें कि ऑर्गेनाइज्ड है एक संगठित तरीके से उन अवसरों को इकट्ठा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रशिक्षण एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है। अब आज की तारीख में लोगों के पास कम धैर्य है, उतना समय नहीं है, तो आप छोटे जिसको आप कहते हैं क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स में भी तो हम सीख के अभिनय कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीखते सीखते हैं, जो अभिनय करते करते सीखते हैं, वो तो ही अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल सर, और आपकी एक मूवी आ रही है लकीर, काफ़ी वो मूवी का क्या सोशल मैसेज है? वो डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप के ऊपर आ रहा है, विषय प्रधान फिल्म है, हमने प्रयोग किया है जो सिनेमा के माध्यम से आप ऐसे कई विषयों को, वैसे देखा जाए तो सिनेमा का मूल अर्थ होता है, सिनेमा का मूल जो प्रोडक्ट होता है मनोरंजन, और स्कूलों का की उपयोगिता होती है, उनका मूल बात होती है शिक्षा, लेकिन हम लोग फिल्मों में शिक्षा ढूंढने लगते हैं और स्कूलों में हम मनोरंजन ढूंढने लगते हैं, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। हाँ, मनोरंजन देते देते सिनेमा आपको अगर मनोरंजन करे, उसको करते करते शिक्षा मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, इसको जिनका काम शिक्षा देना है, यदि शिक्षा लेते लेते आपका मनोरंजन हो जाए तो और अच्छी बात है।
मैं वही पर बता रहा था वहाँ पे आप नहीं थे उधर जो भी मैं अभिनेता बना हूँ उनमें थिएटर का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग दी, थिएटर का जो लाइफ जिया है उसका भी, क्योंकि स्किल एक्टर बनने के लिए थिएटर बहुत जरूरी है। और मुंबई के अलावा साल में चार दिन भी काम के फेस्टिवल कर लेता है, उसके लिए पटना चले जाए तो बुरी जगह चले क्वेश्चन पूछ लो जिसको पूछने सर से। खिड़किया के बारे में, खिड़किया का 7th ईयर है सर, कुछ कहना चाह रहे हैं सर क्या कहना कमाल है, अद्भुत है। मतलब थिएटर का इवेंट है और इतनी भीड़, इतने लोग, ये देख के मैं आप में मन प्रफुल्लित हो जाता है। नाटकों के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है और हम तो नाटक के ही लोग हैं, नाटक से ही निकले हैं और नाटक ही कर रहे हैं, थिएटर ही कर रहे हैं। स्टेज पे जो मैंने किया है, जो मैंने देखा है, इसमें दो नहीं, अभी मैंने देखा नहीं है, मैं अभी पहुंचा ही हूँ। सो या थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अनुपम सर इधर इधर सर, चलो रोल सर, क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस इवेंट? आपने देखा परफॉर्मेंस थिएटर मेरे पास है, बात बात बंद करने दो।
उस दौर में काफी थिएटर किए हैं, कुछ ऐसी यादें आप? मैं वही मैं बता रहा था, वहाँ पे आप नहीं थे उधर। जो भी मैं अभिनेता बना हूँ उनमें थिएटर का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग की, थिएटर का जो लाइफ जिया है उसका नहीं नहीं था कुछ नहीं, विनम्र मैं महसूस कर रहा हूँ और मेहनत परिश्रम का बल है।